हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप आप सब अच्छे हो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले न्यू होंडा i20 के स्पोर्ट्स वेरिएंट के बारे में, जो कि एक सबसे मोस्ट सेलिंग एंड इनफैक्ट सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है होंडा i20 का। प्राइस की अगर बात करें तो ये वेरिएंट आपको पड़ जाता है अराउंड 8.32 लाख से लेकर 9.38 लाख तक, डिपेंडिंग अपॉन आप इसमें कौन सा ट्रांसमिशन ले रहे हो। ये वाला इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है, जिसका की एक्चुअल प्राइस है 9.38 लाख। अब इस प्राइस में आपको इस वेरिएंट में ऑलमोस्ट हर एक चीज मिल जाती है। लाइक अगर हम इसकी फ्रंट प्रोफाइल की ही बात करें तो काफी बढ़िया ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको इसकी न्यू ग्रिल देखने को मिल जाती है। इस वेरिएंट में हैलोजन बेस्ड आपको इस वेरिएंट में हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है। काफी बढ़िया आपको व्हाइट एलईडी आईलेट्स मिल जाती है आपको यहाँ पर नीचे की तरफ, एंड इवन नीचे की तरफ आपको इसमें सिलो इंसर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल की तरफ चलें तो साइड प्रोफाइल में आपको इस वेरिएंट में जो सबसे पहले देखने को मिलते हैं वो है ये काफी बढ़िया डिजाइन व्हील कवर के साथ 16 इंच के स्टील रिम्स। पर्सनली से ये देखने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। ओवर रिम्स की अगर हम बात करें तो बॉडी कलर आपको इसमें ओवर रिम्स मिल जाते हैं विद साइटन इंडिकेटर। बॉडी कलर ही आपको इसमें डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। बाकी इस वेरिएंट में आपको काफी बढ़िया क्रोम विंडो लाइनिंग भी देखने को मिल जाएगी इसकी साइड प्रोफाइल में। एंड ऊपर रूफ पर आपको इस वेरिएंट में सिर्फ शाफे एंटीना ही मिलता है, सनरूफ वगैरह आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलती। एंड नीचे भी अगर आप देखो इसकी साइड प्रोफाइल में आपको काफी बढ़िया ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। रियर की तरफ चलें तो रियर से कार काफी बढ़िया लगती है अगर आप इसे पहले से कंपेयर करो। जेड शेप्ड आपको इसमें एलईडी टेल लाइट देखने को मिल जाती है। सेंटर में आपको ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट के साथ होंडा का लोगो मिल जाता है। एंड नीचे आपको टेल लाइट्स के बीच में क्रोम गार्निश देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ चलें तो नीचे आपको इसमें काफी बढ़िया ग्लॉसी ब्लैक रियर बम्पर एंड सिल्वर स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है। इस पर आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिफ्लेक्टर एंड यहाँ पर रिवर्स कैमरा भी मिल जाता है। ऊपर आपको इसकी रियर प्रोफाइल में सिर्फ रियर डिफॉगर ही मिलता है, रियर वाइपर वॉशर आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता। लुक वाइज ये वेरिएंट देखने में काफी बढ़िया लगता है, स्पेशली इसके जो रिम्स हैं इस कलर में काफी बढ़िया चमक रहे हैं। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। तो इंटीरियर की अगर हम बात करें तो अब आपको न्यू होंडा i20 फेसलिफ्ट में ड्यूल टोन कलर में इंटीरियर देखने को मिल जाता है। ड्राइवर साइड डोर की अगर बात करें तो इसमें आपको ORMs एंड चार विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे आपको इसमें बॉटल होल्डर एंड स्पीकर मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक AC मैन, नीचे आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड सेलेक्टर एंड हेडलाइट लेवल मिल जाता है। इसमें आपको दो ही मोड्स मिलते हैं, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो काफी बढ़िया सिल्वर फिनिश के साथ आपको इसमें स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, इस पर कि आपको मीडिया कंट्रोल्स, MID कंट्रोल्स एंड क्रूज कंट्रोल्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो फुली डिजिटल आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जिसमें कि आपको कार से रिलेटेड सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। देखने में ये बहुत ही बढ़िया लगता है, आपको काफी बढ़िया ड्राइविंग एक्सपीरियंस ये देने वाला है। सेंटर की तरफ चलें तो सेंटर में आपको अराउंड 8 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है। फिर आपको इसके सेंटर में दो AC मेंट्स, हजार स्विच, ऑटोमेटिक AC कंट्रोल्स, 12 वॉट पावर सॉकेट एंड चार्जिंग सॉकेट वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इसमें कुछ स्पेस भी मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग पैड आपको इसमें नहीं मिलता। फिर आपको इस वेरिएंट में काफी बढ़िया फ्रिज के साथ ऑटोमेटिक गियर नॉब देखने को मिल जाता है। मैनुअल भी इस वेरिएंट में अवेलेबल है। यहाँ पर आपको दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट भी आपको इस वेरिएंट में दिया गया है, इसमें कि आपको कुछ स्पेस भी मिल जाती है। ग्लव बॉक्स की अगर बात करें इस वेरिएंट में भी आपको कूल ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। ऊपर आपको इसमें दो हैलोजन कैबिन लाइट एंड सनग्लास होल्डर वगैरह मिल जाता है। ओवरऑल इंटीरियर देखने में काफी बढ़िया लगता है पहले से अगर हम कंपेयर करें तो। रियर की तरफ चलें तो रियर में भी आपको इसमें AC वेंट्स एंड चार्जिंग सॉकेट वगैरह दिए गए हैं। फिक्स टाइप आपको इसमें रियर में दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं। बाकी बूट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको काफी बढ़िया बूट स्पेस मिल जाता है, आराम से आप 2-3 बैग स्टोर कर सकते हो इसमें। इस वेरिएंट में आपको बूट लाइट नहीं मिलती, बट पार्शियल टे आपको इसमें जरूर मिल जाती है। नीचे आपको इसमें 1 इंच छोटा स्पेयर व्हील मिल जाता है। अब जरा चलते हैं आगे की तरफ एंड बात करते हैं कि इस वेरिएंट में आप कौन कौन से इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इंजन ऑप्शन की अगर हम बात करें तो न्यू होंडा i20 में सिर्फ आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, तो इस वेरिएंट में भी आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है अराउंड 83 PS की मैक्सिमम पावर एंड अराउंड 114 Nm की मैक्सिमम टॉर्क। ये सेम वही इंजन है जो आपको होंडा एक्सट्रीम में भी दिया गया है। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें इस वेरिएंट में आपको टोटल 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम, ABS विद EVD, हिल स्टार्ट असिस्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एंड रिवर्स कैमरा जैसे काफी बढ़िया सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एट द एंड ओवरऑल अगर हम इस वेरिएंट की अगर बात करें तो ये काफी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, चाहे आप इसे ऑटोमेटिक में लो या फिर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ लो। इसमें आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज मिल जाती है, आफ्टर मार्केट आपको इसमें कुछ भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये वेरिएंट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना, आप लोग भूल जाते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।